हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर दीपा डाके नीट बायोलॉजी। एंड इन टुडेस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, दैट इज 4R प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, आज हम मेनली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको 4R प्रिंसिपल को यूज करना है, 4R प्रिंसिपल क्या है, और अगर आप इस 4R प्रिंसिपल को ऑनेस्टली यूज करते हैं तो कमिंग डेज में आपका जो नीट का प्रिपरेशन लेवल है वो डेफिनेटली बूस्ट होगा। एंड वॉट एवर स्कोर आपने अपने लिए सेट करके रखा है फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम, उस गोल में डेफिनेटली मैं कहूंगी कि इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो फर्स्ट अब हम देखते हैं कि वॉट इज 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल में देखिए, जो 4R आपके हैं वो मेनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं रैपिड रीडिंग, रिविजन, रिकॉलिंग एंड रेगुलर एनालिसिस। अमंग दीज 4R मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपके पास है, दैट इज द रिविजन एंड रिकॉलिंग। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं विथ 4R। जब हम रैपिड रीडिंग की बात करते हैं तो देखिए, अब आपके पास जो समय है ये न्यू टॉपिक्स या न्यू बिगिनिंग करने का नहीं है। वॉट एवर प्रिपरेशन आपने किया है, जितने टॉपिक्स आपके साथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, उतने ही टॉपिक्स को आपको बार बार रीड करना है। रीडिंग की प्रैक्टिस करिए, रीडिंग को एक्यूरेटली करते हुए थोड़ा स्पीड अप रीड करिए। उसका रीजन है कि जब आप रैपिड रीडिंग के फॉर्म में 4R को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि आपके जो 90 क्वेश्चंस नीट के बायोलॉजी के हैं वो आपके 45 टू 50 मिनट्स में कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैडम, जो 90 क्वेश्चंस है वो हम लोगों को सॉल्व करने में करेक्ट है, सभी क्वेश्चंस उनके 90 में से 80-85 क्वेश्चंस करेक्ट जा रहे हैं, बट जो 90 क्वेश्चंस सॉल्व करने में उनको मे बी 80 मिनट्स का टाइम लग रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा अगर आप 80 मिनट्स में 90 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और उसके लिए केवल आपके पास एक ही फॉर्मूला है, रैपिड रीडिंग। सो स्टूडेंट, एनसीईआरटी को रीड करिए, टाइम देख के रीड करिए, रैपिड रीडिंग करिए। बिकॉज ऑफ दैट जो 90 क्वेश्चंस है वो आपके स्लोली स्लोली 50 मिनट्स में सॉल्व होना चाहिए, और अगर आपने 90 क्वेश्चंस नीट के 50 मिनट्स में बायोलॉजी के अगर सॉल्व कर लिए, करेक्टली सॉल्व किए, एक्यूरेटली रीडिंग करके अगर सॉल्व किए, तो जो टाइम आप सेव करेंगे वो टाइम आपको बेनिफिट देगा आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आप जब भी पढ़ेंगे माइंड में रख के, वन थिंग यू कीप इन माइंड कि आपको जो भी रीडिंग करनी है वो बहुत रैपिडली एंड एक्यूरेटली करनी है। सो 4R यू रिमेम्बर स्टैंड फॉर द रैपिड रीडिंग। सेकेंड आर के तरफ हम आ रहे हैं। सो सेकेंड आर, और जो सेकेंड आर स्टैंड कर रहा है 4R प्रिंसिपल में, दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है आपके, दैट इज द रिविजन। देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट केवल पढ़ते रहते हैं, स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आवर टू आवर स्टडी कर रहे हैं, बट टाइम टू टाइम आपने रिविजन का टाइम टेबल अगर प्रिपेयर नहीं किया है तो आप जितना भी स्टडी कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन आपके लिए 100% नहीं कर पाएंगे। बिकॉज मेन रीजन है कि सपोज आपने कोई टॉपिक आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है वो टॉपिक, और आपने वन मंथ बिफोर वो टॉपिक पढ़ा है, बट विद इन दिस वन मंथ आपने अगर एक बार भी उस टॉपिक को रिवाइज नहीं किया है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो टॉपिक आपका किसी न किसी टॉपिक पे आके या फिर किसी न किसी पॉइंट पे आके वीक होगा, एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जो रिवीजन का पार्ट है, रिवीजन के पार्ट का टाइम टेबल प्रिपेयर करिए, जो 2 months बिफोर टॉपिक आपने प्रिपेयर किए हैं उनको पहले रिवाइज करिए, आफ्टर दैट 1 month के टॉपिक्स पर आइए। जब आपके 2 and 1 month के टॉपिक्स पूरे प्रॉपरली इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में रिवाइज हो जाएंगे, देन आफ्टर अब आपको करना है वीकली रिविजन। वीकली रिविजन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर इम्प्रूव योर प्रिपरेशन। सो वीकली रिविजन पे स्टूडेंट्स टाइम दीजिएगा, हार्डवर्क करिए एंड कंसिस्टेंटली टॉपिक्स को रिवाइज करते। नाउ द थर्ड आर इज देयर। थर्ड आर आप देखिए, जो थर्ड आर अपना है दैट इज द रिकॉलिंग। सो थर्ड आर आपका रिकॉलिंग के लिए, अब यहाँ पे आप अपने आप से सोचिए कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम एंड नीट एग्जाम रिकॉलिंग के प्रिंसिपल को यूज किया है। मुझे लगता है बहुत ही कम स्टूडेंट्स को ये पता है कि रिकॉलिंग का अपना एक बहुत इम्पोर्टेंस होता है,
क्योंकि आप प्रॉपरली रीड कर रहे हैं, प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं, बट अगर आप रिकॉल नहीं कर रहे हैं कि मैंने लास्ट वीक में क्या स्टडी किया है या आज मैंने जो कम्प्लीटली स्टडी की है, तो उसमें से कितना पार्ट मुझे समझ में आ रहा है, कितना पार्ट वीकनेस में है, वो पार्ट आप याद रखिए। तो रिकॉलिंग के लिए सभी स्टूडेंट्स को आज से करना क्या है कि थ्रू आउट द डे आपने जितना भी पढ़ा हुआ है, वॉट एवर टॉपिक्स यू कम्प्लीटेड इन वन डे, रात में जब आप सोने के लिए जाएंगे, सो बिफोर स्लीपिंग टेक 5 or 10 minutes टाइम, एंड विद इन दैट 10 to 15 minutes टाइम में आपको पूरा का पूरा रिकॉल करना है कि बायोलॉजी में आपने क्या क्या स्टडी किया है, फिजिक्स में क्या स्टडी किया है, एंड केमिस्ट्री में क्या स्टडी किया है। अगर आप रिकॉलिंग करते हैं तो विद इन देन एंड दैट टाइम आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वॉट आर द टॉपिक्स विच आर इम्पोर्टेंट। रिकॉलिंग को हम सामान्य रूप से और नॉर्मली कहते हैं मनन और चिंतन। तो देखिए, आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए और कितना भी स्टडी कर लीजिए, बट जब तक आप उसको रिकॉल नहीं कर रहे हैं, या फिर आप हिंदी में कह रहे हैं कि जब तक आप उसको मनन और चिंतन नहीं कर रहे हैं, तब तक उस स्टडी का एज मच एज 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। सो इन थर्ड आर यू रिमेम्बर, द थर्ड आर मेनली किसके लिए स्टैंड कर रहा है, आपका रिकॉलिंग के लिए। फोर्थ आर इज स्टैंड फॉर द रेगुलर एनालिसिस। अब देखिए, आपने रैपिड रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया, वीकली रिविजन करना स्टार्ट कर दिया, एंड डे टू डे एवरी डे आपने रिकॉलिंग का प्रैक्टिस भी कर लिया, बट अगर आप एनालिसिस खुद का नहीं कर रहे हैं, रेगुलर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि कितने जो 38 बायोलॉजी के टोटल चैप्टर्स हैं, आउट ऑफ 38 चैप्टर्स कितने चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्गली प्रिपेयर्ड है, कितने चैप्टर्स में आप अभी भी वीकनेस फील कर रहे हैं, और अगर आपको कहीं वीकनेस है, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई टॉपिक आपका वीक होगा, बट इन केस अगर आपको लग रहा है किसी टॉपिक या चैप्टर में वीकनेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, उस वीकनेस को रिकवर करना है, एंड फॉर टू रिकवर दैट वीकनेस आपको रेगुलर एनालिसिस स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, न्यू मटेरियल को आप बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है, ओनली आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पे। 4 R को यूज करिए, रैपिड रीडिंग, रिविजन, रिकॉलिंग एंड दैट द रेगुलर एनालिसिस। और इसको अगर आप रेगुलर डे टू डे, अब जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, रेगुलरली अगर अप्लाई करेंगे तो 100% मैं कह रही हूँ कि आपका जो इम्प्रूवमेंट है और जो आपका नीट का प्रिपरेशन लेवल है, ये डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, एंड यू कैन अचीव वन ऑफ द गुड स्कोर जिसके थ्रू आप अपना एक ड्रीम कॉलेज MBBS में सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स यू यूज दिस 4 R प्रिंसिपल। द स्टूडेंट्स हु आर जॉइन टूडे, उनको मैं फिर कहूंगी कि सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज, टेंशन में आके पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी तरह से हेजिटेशन या कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, वाइल एंटायर टिल 26 जुलाई तक आपको मोटिवेट रहना है। सो अप टू दैट टाइम यू स्टे मोटिवेटेड, यूज दिस 4 R प्रिंसिपल एंड बी पॉजिटिव फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।